सिंध मदरसत इस्लाम ने ये बीड़ा उठाया कि हम इस इदारे से शुरुआत करें, इस इदारे के नौजवानों से शुरुआत करें, उनको बताएं कि आज पाकिस्तान क्या है, कल ये क्या था, जो गुज़रा हुआ कल है, और आने वाले कल में इसको क्या बनाना है, किस तरह से किस सिमत में लेके जाना है। तो ये बुनियाद था जिसकी वजह से इस फेस्टिवल का इनेकाद हमने किया। आइडिया ही बुनियाद होता है किसी भी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का। इंसान ज़ात की जो भी तरक्की है वो किसी न किसी आइडिया के साथ, किसी ख्याल के साथ मरबूत है, किसी ख्याल के साथ मुंसलक है। आइडियाज़ को परवान चढ़ाने के कल्चर की ज़रूरत है, एक ऐसा कल्चर जिसमें मुख्तलिफ ज़हीन लोग मौजूद हों, तजर्बेकार लोग मौजूद हों, वो अपने तजर्बात की बुनियाद पे, अपनी जहानत की बुनियाद पे नई नई चीज़ें लेके आएं, हमारे साथ डिस्कस करें और उनके ज़रिए से हमारे अपने ख्यालात में एक रवानी पैदा हो, एक नई नयापन पैदा हो जाए। तो ये आइडियाज़ को जनरेट करने का, आइडियाज़ को डिस्कस करने का, आइडियाज़ के हवाले से बात करने का एक कल्चर है जो कि हम यहाँ पर इस फेस्टिवल के ज़रिए लाना चाहते हैं। दूसरा इसके टाइटल का जुज़ है आर्ट्स। इंसान को दो चीज़ों में फजीलत है, सिर्फ दो चीज़ें इंसान को बकिया तमाम जानवरों से अलग करती हैं। एक सोच का अमल, जिस आइडियाज़ की हमने बात की, दूसरा इजहार का, जो इंसान को अल्लाह ताला ने फ़न दिया है या जो सलाहियत दी है इजहार की, एक्सप्रेशन। तो ये जो इजहार का ज़रिया है ये इंसान को अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा दिया है एक्सप्रेशन का। और एक्सप्रेशन सिर्फ गुफ्तगू तक महदूद नहीं होती, सिर्फ तहरीर करदा अल्फाज तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में मौजूद होती है। वो तमाम फॉर्म्स जिसमें आप अपना अंदर का बयान कर रहे होते हैं, तो आर्ट उसको कहते हैं जो एक्सप्रेशन का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म हो, जिसमें आप एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के ज़रिए अपने अंदर जो कुछ आपके है उसको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं दूसरे लोगों में, उसका इजहार कर रहे होते हैं। इसी तरह से कोई शख्स फिल्म के ज़रिए करता है, कोई शख्स किसी सिंगिंग के ज़रिए से करता है, कोई एक्टिंग के ज़रिए से करता है। ये आर्ट्स के मुख्तलिफ ज़राए हैं, ये मुख्तलिफ इजहार के ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम अपना माफियुल ज़मीर बयान करते हैं। तो इस फेस्टिवल का जो दूसरा हिस्सा है वो आर्ट पे है, यानी इजहार। तो इसी हवाले से हमने इसका नाम रखा कि फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज़।